स्थानीय डिपो से विरोध की ओर जाने वाली एसटी बस की ट्रैक्टर को टक्कर मारने से बस पुल के नीचे गिर गई। यह घटना अमरावती जिले के वरुण मार्ग के ढागा में रविवार की शाम 7 बजे के आसपास घटी। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता का इंतजार भले ही 16 जनवरी को खत्म हुआ, लेकिन अब कोविन ऐप में तकनीकी खराबी के चलते पुनः वैक्सीन प्रोग्राम को 2 दिन के लिए रोका गया। कुछ दिन पहले ही MIDC थाना क्षेत्र में एक बच्ची गर्म पानी के बर्तन में गिरकर झुलस गई थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटना अब पारडी थाना क्षेत्र में भी सामने आई है। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन नागपुर की रनिंग शाखा द्वारा साची कोशी के नेतृत्व में मेल व एक्सप्रेस के लोको पायलट और गार्ड्स को मालगाड़ी चलाने के लिए मजबूर करने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को देश सेवा में किए गए उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए पद्मगंगा प्रतिष्ठान की ओर से नलिनी बालकृष्ण देव पुजारी स्मृति जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। नायलॉन मांझे से फंसकर काल के गाल में समा जाने वाले प्रणय ठाकरे के घर पालक मंत्री नितिन राउत पहुंचे। उन्होंने उसके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। कामठी स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में 16 जनवरी को 120 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया। MIDC परिसर में स्थित एक कंपनी में काम करते समय मजदूर बुरी तरह झुलस गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सुभाष किशनलाल ताड़म बताया गया। कलमना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेन लगाकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस एकता हाउसिंग सोसाइटी निवासी फातिमा सत्तार खान पटेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। स्मार्ट सिटी पुलिस के स्मार्ट पुलिस आयुक्तालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। कमिश्नर कार्यालय के साथ ही हेडक्वार्टर को सभी स्मार्ट बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार प्रयास कर रहे हैं।